वेज थ्योरम में प्रोबेबिलिटी का वेज थ्योरम है, इससे हम पर्टिकुलर केसेस का प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक पर्टिकुलर केस है। सपोज करो कोई बैग है, फर्स्ट बैग है, उसमें 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। कोई सेकंड बैग है, उसमें 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अब दोनों किसी भी एक बैग से हमने एक बॉल को निकाला और सपोज करो वह बॉल कैसी है, रेड है, उसको देखा तो उसका कलर कैसा है, रेड है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो बैग बन से निकाला गया हो, किससे निकाला गया हो, बैग बन से। तो देखो सपोज करो इवन क्या है, इवेंट सिलेक्टिंग बैग बन, इवन कोई इवेंट है बैग बन को सिलेक्ट होने की। ई टू क्या है, ई टू इज द इवेंट सिलेक्टिंग बैग टू। ए क्या है, इवेंट सिलेक्टिंग जेड बॉल। तो देखो दो बैग में से हम एक बैग को कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, तो पी इवन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह पी ई टू भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। पी ई टू भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ए कोई इवेंट है सिलेक्टिंग रेड बॉल, रेड बॉल सिलेक्ट करने की इवेंट है। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है पी इवन अपॉन ए। पी इवन अपॉन ए का मतलब है कि जो बॉल निकाली गई वह बैग फर्स्ट से हो और बॉल कैसी हो, रेड हो। तो इसका एक फार्मूला होता है वेज थ्योरम से, पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन होल अपॉन पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू। अब देखो यहाँ पर पी ए अपॉन इवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग वन है। और पी ए अपॉन ई टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग टू। अब देखो बैग वन से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल रेड बॉल यहाँ पर 4 है और टोटल बॉल 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा। सेकंड बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/8 होगी। इस सारी की सारी वैल्यू उठा के हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमें पी इवन अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, कितने, 2/3। तो ये वेज थ्योरम्स में इस फार्मूले का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, एन आयरन कंटेंस 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। आयरन में कितनी है, 5 रेड बॉल्स हैं प्लस 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द आयरन। ओके, मोर ओवर 2 additional balls ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द आयरन एंड देन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। तो ऐसा है कोई बैग है, उस बैग में 5 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, उसमें से एक बॉल निकाली गई, उसके कलर को नोटेड कर लिया गया और वो बॉल बैग में वापस डाल दी गई। जिस कलर की बॉल थी उसी कलर की 2 और additional balls बैग में डाल दी गई। अब उससे फिर एक बॉल निकाली गई, हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो बॉल हो कैसी हो, रेड हो। ओके, तो लेट रेड बॉल इज ड्रॉन इन द फर्स्ट, हमने सपोज कर लिया कि सबसे पहले हमने रेड बॉल निकाली, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/10 होगी, 5/10 हो जाएगी। रेड बॉल कितनी है, 5 है, टोटल बॉल कितनी है, 10 है। अब रेड बॉल निकाली गई तो इस रेड बॉल को हमने वापस उसी में डाल दिया, फिर 2 extra red balls भी हम इस बैग में डालेंगे तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर रेड बॉल 7 हो जाएंगी, ब्लैक बॉल 5 रहेंगी। अब इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/12 होगी। ओके, अब नाउ लेट अ ब्लैक बॉल बी ड्रॉन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब इसमें से पहले अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल ऐसी भी हो सकती है कि पहले अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल निकले। ओके, अभी पहले अटेम्प्ट में क्या निकली थी, रेड बॉल निकली थी, अब पहले अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल निकले, तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/10 होगी। इस ब्लैक बॉल को वापस उसी बैग में डाल दिया गया और 2 additional black balls भी इस बैग में डाली गई, तो 5 red और 7 black हो जाएगा। तो पी ड्राइंग रेड बॉल कितना होगा, 5/12 होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकेंड बॉल इज रेड क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकेंड बॉल इज रेड, दिस इज 5/10, 5/10 इंटू 7/12 प्लस 5/10
इंटू फाइव अपॉन ट्वेल्व। फाइव अपॉन टेन कॉमन निकल रहा है, इसे कॉमन ले लें, दिस इज सेवन अपॉन ट्वेल्व प्लस फाइव अपॉन ट्वेल्व, सो दिस इज वन बाई टू ट्वेल्व, दिस इज सेवन प्लस फाइव वन बाई टू, ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इक्वल टू वन बाई टू। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड। अ बैग कंटेन्स फोर जेड एंड फोर ब्लैक बॉल। कोई बैग है उसमें फोर जेड और फोर ब्लैक बॉल्स है। इन अदर बैग कंटेन्स टू जेड प्लस सिक्स ब्लैक बॉल। ये फर्स्ट बैग है, इस सेकेंड बैग है। वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी जेड। अब देखो इवन क्या हो जाएगा, सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग ई टू, सिलेक्टिंग सेकेंड बैग, तो पी वन वन बाई टू हो जाएगा, पी ई टू भी वन बाई टू हो जाएगा। ओके दो बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वन बाई टू होगी, इसी तरह से इसकी भी वन बाई टू हो जाएगी। ओके वॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी जेड, तो ए क्या है, वॉल इज जेड। ओके वॉल इज जेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो हमें फाइंड आउट करना है पी ई वन अपॉन ए फाइंड आउट करना है। ओके वन ऑफ द टू बैग सिलेक्टेड एट रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी जेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो पी ई वन अपॉन ए को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ई वन क्या है कि वह बैग से जो बॉल निकाली गई वो फर्स्ट बैग से हो और वो बॉल कैसी हो, जेड हो। ओके तो इसका जो फार्मूला होता है वो पी ई वन, पी ए अपॉन ई वन अपॉन पी ई वन, पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू, पी ए अपॉन ई टू। ये उसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ओके ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी ए अपॉन ई वन को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, पी ए अपॉन ई वन। पी ई अपॉन ई वन का मतलब है ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो कितना हो जाएगा, फोर अपॉन एट होगा। रेड बॉल कितनी है, फोर है, टोटल बॉल कितनी है, एट है। और पी ए अपॉन ई टू का मतलब होगा ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, तो दिस इज टू अपॉन एट, दिस इज टू अपॉन एट। अभी वैल्यू सारी इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके सो पी ई वन अपॉन ए इक्वल टू वन बाई टू इंटू पी ए अपॉन ई वन फोर अपॉन एट, दिस इज वन बाई टू इंटू फोर अपॉन एट प्लस वन बाई टू इंटू टू अपॉन एट पी ए अपॉन एट। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। ओके सो दिस इज फोर, फोर प्लस टू, फोर अपॉन सिक्स इक्वल टू क्या होगा, टू बाई थ्री होगा। ओके अंडरस्टूड। ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, टोटल कॉलेज की जो स्टूडेंट हैं उनमें से 60% कहाँ पर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, एंड 40% आर डे स्कॉलर, वो है हॉस्टल में नहीं रहते हैं। ओके अब हम सपोज करो इवन ले लें, कोई इवेंट है, स्टूडेंट 28 रिसाइड्स इन हॉस्टल, ये ले लिया हमने इवेंट कि स्टूडेंट कहाँ पर है, हॉस्टल में साइड करता है। ई टू क्या है, स्टूडेंट्स डे स्कॉलर, स्टूडेंट डे स्कॉलर है। ओके ये सब कुछ कर लिया तो देखो पी ई वन 60% दिया हुआ है, तो दिस इज 60 अपॉन
100 हो जाएगा। पीई टू 40% दिया हुआ है तो दिस इज 40/100। ओके अंडरस्टूड। टोटल जो स्टूडेंट हैं उसमें से 60% कहाँ पर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और 40% कहाँ पर रहते हैं, वो डे स्कॉलर हैं, हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गया इनका। अब देखो, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्टेड दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड। 30% स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला जो हॉस्टल में रहते हैं। ओके, एंड 20% डे स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जाम। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज ए ग्रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। तो हम कोई इवेंट ले लें, एक कोई इवेंट है, स्टूडेंट गेटिंग ए ग्रेड, स्टूडेंट को क्या मिला, ए ग्रेड मिला। ओके, एक कोई ओके इवेंट है जिसे स्टूडेंट को क्या मिला, ए ग्रेड मिला। अब हमें किसकी प्रॉपर्टी, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, तो PE1/A निकालना है, उसे हॉस्टलर स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसे ग्रेड ए मिला हो। क्या मिला हो, ग्रेड ए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। हम इस फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, PE1/A फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर गेटिंग ग्रेड ए, तो इस तरह से हो जाएगा ये। ओके, अब देखो हमें PA/E1 की जरूरत है, किसकी जरूरत है, PA/E1 की जरूरत है। PA/E1 का मतलब है कि स्टूडेंट को ग्रेड ए मिला हो और वो किससे हो, हॉस्टल से बिलोंग करता हो। तो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, हाँ, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड। तो ये क्या हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा PA/E1। और PA/E2 निकालेंगे हम, तो वो ये दिया हुआ है 20% ऑफ द, ये दिया हुआ है 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड। तो दिस इज 20/100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। अब इन वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें चाहिए है PE1/A चाहिए है। अब हम इस वैल्यू को, इन वैल्यू को इन फार्मूले में पुट करते हैं। PE1 कितना है, 60/100 है, इंटू PA/E1, PA/E1 कितना है, 30/100 है, होल अपॉन 60/100 इंटू 30/100 प्लस PE2 कितना है, 40/100 है, इंटू PA/E2, PA/E2 कितना है, 20/100 है। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें। ओके, सो दिस इज PE1/A। अब देखो सारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 100 × 100 से क्या कर दें, हम मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 60 × 30 बचेगा। दिस इज 60 × 30 प्लस 40 × 20। ओके, फिर PE1/A 100 सबसे कॉमन निकल जाएगा, तो दिस इज 6। ओके, दिस इज 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 4 × 2 = 8, सो दिस इज 18/26। सो PE1/A क्या हो जाएगा अपना, 9/13, ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। टोटल कॉलेज की जो स्टूडेंट हैं उनमें से 60% कहाँ पर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, एंड 40% डे स्कॉलर, वो है हॉस्टल में नहीं रहते हैं। ओके,
अब हम सपोज करो इवन ले लें, कोई इवेंट है, स्टूडेंट रिसाइड्स इन हॉस्टल, ये ले लिया हमने इवेंट कि स्टूडेंट कहाँ पर है, हॉस्टल में रिसाइड करता है। ई टू क्या है, स्टूडेंट्स डे स्कॉलर, स्टूडेंट डे स्कॉलर है, ओके ये सब कुछ कर लिया। तो देखो पी ई वन 60% दिया हुआ है, तो दिस इज 60/100 हो जाएगा। पी ई टू 40% दिया हुआ है, तो दिस इज 40/100, ओके अंडरस्टूड। टोटल जो स्टूडेंट हैं उसमें से 60% कहाँ पर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और 40% कहाँ पर रहते हैं, वो डे स्कॉलर हैं, हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गया इनका। अब देखो प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्टेड दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड, 30% स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला जो हॉस्टल में रहते हैं, ओके एंड 20% डे स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जाम। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज ए ग्रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। तो हम कोई इवेंट ले लें, ए कोई इवेंट है, स्टूडेंट गेटिंग ए ग्रेड, स्टूडेंट को क्या मिला, ए ग्रेड मिला, ओके ये कोई ओके इवेंट है जिसे स्टूडेंट को क्या मिला, ए ग्रेड मिला। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, तो पी ई वन अपॉन ए निकालना है, उसे हॉस्टलर स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसे ग्रेड ए मिला हो, क्या मिला हो, ग्रेड ए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन अपॉन पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू। हम इस फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी ई वन अपॉन ए फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर गेटिंग ग्रेड ए। तो इस तरह से हो जाएगा ये, ओके। अब देखो हमें पी ए अपॉन ई वन की जरूरत है, किसकी जरूरत है, पी ए अपॉन ई वन की जरूरत है। पी ए अपॉन ई वन का मतलब है कि स्टूडेंट को ग्रेड ए मिला हो और वो किससे हो, हॉस्टल से बिलोंग करता हो। तो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, हाँ प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड। तो ये क्या हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा पी ए अपॉन ई वन, और पी ए अपॉन ई टू निकालेंगे हम, तो वो ये दिया हुआ है 20% ऑफ द, ये दिया हुआ है 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड। तो दिस इज 20/100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। अब इन वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें चाहिए है पी ई वन अपॉन ए चाहिए है। अब हम इस वैल्यू को, इन वैल्यू को इन फार्मूले में पुट करते हैं, पी ई वन कितना है, 60/100 है, इंटू पी ए अपॉन ई वन, पी ए अपॉन ई वन कितना है, 30/100 है, होल अपॉन 60/100 इंटू 30/100 प्लस पी ई टू, पी ई टू कितना है, 40/100 है, इंटू पी ए अपॉन ई टू, पी ए अपॉन ई टू कितना है, 20/100 है। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें, ओके। तो दिस इज पी ई वन अपॉन ए। अब देखो सारे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 100 × 100 से क्या कर दें, हम मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 60 × 30 बचेगा, दिस इज 60 × 30 प्लस 40 × 20, ओके।
फिर पी ई वन अपॉन ए 100 सबसे कॉमन निकल जाएगा, तो दिस इज 6 × 3 प्लस 4 × 2, तो दिस इज 18 अपॉन 18 प्लस 12, सो दिस इज 18 अपॉन 30, सो दिस इज 3 अपॉन 5। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पी ई वन अपॉन ए, पी ई वन अपॉन ए क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड? लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स रिजल्ट फॉर 0.5% फॉर द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। इफ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? Okay, to suppose kare even event that person has a disease, actually use kya hai disease hai kisi person ko, e2 kya hai event that person has no disease. Ab if 0.1% if 0.1% population एक्चुअली हैज द डिसीज, तो यहाँ पर पी ई वन हो जाएगा आपका, पी ई वन हो जाएगा 0.1% हो जाएगा पी ई वन, सो दिस इज 0.1/100। ओके, 0.1/100 क्या हो जाएगा, पी ई वन हो जाएगा, और दिस इज 1/1000। ई टू, इवन दैट पर्सन हैज नो डिसीज, सो पी ई टू, पी टू क्या हो जाएगा 1 − 1/1000, दिस इज 999/1000 हो जाएगा। ए इवेंट दैट ब्लड टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ये कोई इवेंट है जिसमें ब्लड टेस्ट रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज द डिसीजेज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी ई वन अपॉन ए निकालना है, इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं पी ई वन अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिसीजेज तो ई वन, गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव अपॉन ए, ई वन पी ई वन अपॉन ए निकालना चाहते हैं, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन अपॉन पी ई टू अपॉन पी ई वन, पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू, ये इसका क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। ओके, इसका फार्मूला ही बनेगा, क्लियर, पी ई वन अपॉन ए हमें फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला बनेगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें ए अपॉन ई वन की वैल्यू चाहिए है और ए अपॉन ई टू की वैल्यू चाहिए है। ओके, तो उसे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? देखो पी ए अपॉन ई वन यहाँ पर फाइंड आउट किए लेते हैं हम, पी ए अपॉन ई वन। ओके, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव निकले और उसे एक्चुअली क्या हो, डिसीज हो। ओके, तो अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 99% हो जाएगा, मींस 99/100। पी ए अपॉन ई टू, पी ई अपॉन ई टू क्या होगा, हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड, तो पी ए अपॉन ई टू 0.5% हो जाएगा, सो दिस इज 0.5/100 या फिर 5/1000 होगा, क्या होगा, 5/1000। अब वैल्यू को हम इसमें क्या करें, पुट कर दें, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा, तो पी ई वन अपॉन ए, दिस इज पी ई वन 1/1000 इंटू पी ए अपॉन ई वन 99/100,
अपॉन 1000 इंटू 99 अपॉन 100 प्लस PE2 क्या है 999 अपॉन 1000 इंटू PA अपॉन E2 5 अपॉन 1000 ओके 5 अपॉन 1000 इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे ओके 1 लाख से मतलब 50 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ओके तो ए यहाँ पर कितना आएगा दिस वन इज 99 बचेगा यहाँ पर भी क्या बचेगा 99 बचेगा यहाँ पर 999 तो बचेगा ही साथ में यहाँ पर इनटू 50 भी बचेगा ओके तो क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा ओके इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 दिस इज 99 प्लस 999 इनटू 5 अपॉन 10 तो जी ऐसा हो जाएगा पी इवन अपॉन ए 990 अपॉन 990 प्लस 999 इनटू 5 तो दिस इज 990 अपॉन 5985 तो दिस इज 22 अपॉन 133 इज आवर आंसर ओके देयर आर 3 कॉइंस 3 कॉइंस हैं 1 इज 2 हेडेड कॉइंस जो एक है वो दोनों तरफ हेड हैं दोनों फेस पर उस पर क्या है हेड है इन अदर इज वाइस्ट कॉइन वाइस्ट कॉइन है हेड 75% आता है तो टेल कितने परसेंट आएगा 25% आएगा उसको फेंकने पर थ्रो करने पर उसको टॉस करने पर 75% हेड आता है और 25% टेल आएगा नेचुरल बात है एंड थर्ड इज अनवाइस्ट कॉइन थर्ड सेम है 50% हेड आएगा 50% टेल आएगा मतलब उसमें कोई कलाकारी नहीं की गई है वन ऑफ थ्री क्वाइंस आर चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड इट सोच हैड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज द टू हेडेड क्वाइन देखो हम सपोज कर लेंगे कि इवन कोई इवेंट है सिलेक्टिंग टू हेडेड क्वाइन ई टू कोई इवेंट है सिलेक्टिंग वाइज्ड क्वाइन और ई थ्री सिलेक्टिंग अनवाइज क्वाइन अब तीन क्वाइन में से एक क्वाइन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 होगी होगी वो तो नेचुरल बात है तो जी पी ई टू भी 1/3 हो जाएगा और पी ई थ्री भी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ये क्या है इवेंट गेटिंग हेड ऑन द क्वाइन तो देखो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड क्वाइन तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड क्वाइन मतलब टू हेडेड वाला कहाँ पर ए है तो पी इवन अपॉन ए निकालना है मतलब हेड आए और वो किससे आए हेड टू हेडेड क्वाइन का हेड आए इसको हमें फाइंड आउट करना है तो देख क्या हो जाएगा दिस इज पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन अपॉन पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं अब हमें पी ए अपॉन ई वन चाहिए है पी ए अपॉन ई टू चाहिए है और पी ए अपॉन ई थ्री चाहिए तो देखो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको सुनिएगा आप समझिएगा देखो यहाँ पर हम समझ लेते हैं हमें सपोज करो पी ए अपॉन ई वन चाहिए है पी ए अपॉन ई वन इसका मतलब है कि हेड आए और वो पहले क्वाइन से आए किसे आए पहले वाले से सिलेक्टेड तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी क्योंकि इसमें दोनों तरफ हेड हैं इसमें ऑलवेज आप टॉस करेंगे तो क्या आएगा हेड ही आएगा अब पी ए अपॉन ई टू लें इसमें 75% हेड आता है तो जो 75/100 दिस इज 3/4 हो जाएगा पी ए अपॉन ई टू ई थ्री अब ई थ्री कैसा है अनबाइज्ड है तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 होगी अब ये सारी की सारी वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा सो दिस इज पी ई वन 1/3 इंटू पी ए अपॉन ई वन वन होल अपॉन 1/3 इंटू वन प्लस पी ई टू कितना है 1/3 है और पी ए अपॉन ई टू कितना है 3/4 है प्लस 1/3 इंटू 1/2 ओके
सो दिस इज 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 3, 4, 6 का एलसीएम 12 आएगा। सो दिस इज 4 + 3 + 2 हो जाएगा। अब दिस इज 1/3, 12 ऊपर आएगा, ए 9 हो जाएगा। तो दिस इज 4/9 क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर, 2000 स्कूटर ड्राइवर का उसने इंश्योरेंस किया, इंश्योरेंस वाली कंपनी ने। 4000 कार ड्राइवर का इंश्योरेंस किया, 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस किया। ओके, क्लियर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03 एंड 0.015 रिस्पेक्टिवली। ये उनकी एक्सीडेंट की क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसकी। देखो, सबसे पहले उसने किसका किया था, स्कूटर वाले की प्रोबेबिलिटी है 0.01, कार वाले की प्रोबेबिलिटी है 0.03 एंड ट्रक वाले की प्रोबेबिलिटी है 0.15 एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, तो इसे ए ले लें, ये क्या हो जाएगा, इंश्योर्ड पर्सन मीट इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ओके, ये हो गया। अब वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, वो कैसा हो, स्कूटर ड्राइवर हो, तो हमें क्या निकालना है, पी ई वन अपॉन ए निकालना है, कि स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो, ये निकालना है हमें। तो दिस इज पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन अपॉन पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई टू इंटू पी ई अपॉन ई टू, ये हो गया। हमें इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हमें पी ए अपॉन ई वन की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, पी ए अपॉन ई वन, तो इस साइड में हम इसको निकाल लेते हैं, पी ए अपॉन ई वन पी। ओके, अब पी ए अपॉन ई वन हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है कि वो एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो और वो कैसा हो, स्कूटर ड्राइवर हो, तो ये 0.01 आ जाएगा। पी ए अपॉन ई टू एक्सीडेंट वाला पर्सन हो और वो कैसा हो, कार ड्राइवर हो, तो ये 0.03 आ गया। पी ए अपॉन ई थ्री क्या हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करके आंसर को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे हमें पी ई वन निकालना है, पी ई वन कैसे निकलेगा, टोटल कितने हैं स्कूटर ड्राइवर, 2000, और टोटल ड्राइवर्स कितने हैं, 12000, 2000 प्लस 4000 प्लस 6000। तो देखो, जो पी ई वन की वैल्यू होगी, वो पी ई वन होगा आपका 2000 अपॉन 12000। पी ई टू होगा, पी ई टू क्या होगा, 4000 अपॉन 12000, और पी ई थ्री क्या होगा, 6000 अपॉन 12000 होगा। कितना होगा, 6000 अपॉन 12000 होगा। तो देखो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 1/6, दिस इज 1/3 और दिस इज 1/2। अब हम पी ई वन अपॉन ए निकालेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो पी ई वन कितना है, 1/6 है, दिस इज 0.01, दिस इज 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, दिस इज
सारे क्वेश्चन को इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0.03, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 0.15, इन सब को ऐड करेंगे तो 0.52 आएगा। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 1/52 आंसर हो जाएगा। ओके, कोई फैक्ट्री में दो तरह की मशीन है, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए 60% आइटम को प्रोड्यूस करती है और मशीन बी 40% आइटम को प्रोड्यूस करती है। मशीन ए से 2% आइटम कैसे रहते हैं, डिफेक्टिव रहते हैं, और मशीन बी से 1% आइटम कैसे निकलते हैं, डिफेक्टिव निकलते हैं। ओके, हमें बताना है कि कोई वन आइटम को रेंडमली सेलेक्ट किया गया, फाइंड टू बी डिफेक्टिव, वह कैसा निकला, डिफेक्टिव निकला, रेंडमली सेलेक्ट किया गया और वह कैसा निकला, डिफेक्टिव निकला। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन बी, वह डिफेक्टिव आइटम मशीन बी से क्या किया गया हो, प्रोड्यूस किया गया हो, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी को बताना है। ओके, तो देखो इवन इवेंट दैट आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, ई टू क्या हो जाएगा, आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए। तो देखो पी इवन क्या होगा, 60% मीन 60/100, दिस इज 3/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/5। पी टू क्या होगा, 40% दिया हुआ है कि वह जो ई टू मशीन है, जो बी मशीन है या दूसरी मशीन है, वो 40% आइटम को बनाती है, तो 40/100, सो दिस इज 2/5 हो गया, कितना हो गया 2/5 हो गया। ओके, ए इवेंट दैट आइटम प्रोड्यूस इज डिफेक्टिव, तो हमें निकालना है पी ई टू अपॉन ए को फाइंड आउट करना है, पी ई टू अपॉन ए को फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन बी, कोई एक आइटम को रेंडमली सिलेक्ट किया गया और वह कैसा निकला, डिफेक्टिव निकला। वन आइटम इज चूजन एट रेंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो मशीन बी से प्रोड्यूस किया गया हो, तो पी ई टू अपॉन ए निकालना है। आपको पता है पी ई टू अपॉन ए क्या होगा, पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू अपॉन पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन a/e1। ओके, अब हमें a/e2 चाहिए है और a/e1 चाहिए है, ठीक ना। तो देखो a/e1 निकालते हैं यहाँ पर, p a/e1, a/e1 का मतलब है कि डिफेक्टिव आइटम मशीन ए द्वारा प्रोड्यूस हो, फर्स्ट मशीन द्वारा प्रोड्यूस हो डिफेक्टिव आइटम, तो वो कितना दिया हुआ है आपको, 2% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2%, तो 2% मीन्स 2/100। इसी तरह पी ए अपॉन ई टू, डिफेक्टिव आइटम मशीन बी द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, वो 1% दिया हुआ है, तो 1/100। अब ये चारों वैल्यू पी ई वन पी ई टू और दिस टू वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपना आंसर मिलेगा। देखो हम इसे पुट करते हैं यहाँ पर, दिस इज पी ई टू कितना है, पी ई टू है 2/5, कितना है 2/5, पी ए अपॉन ई टू कितना है 1/100, दिस इज 2/5 × 1/100 प्लस पी ई वन कितना है 3/5 और पी ए अपॉन ई वन कितना है 2/100। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, अंडरस्टूड, 500 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इधर क्या बचेगा 2 बचेगा, इधर 2 और इधर 6 बचेगा, ये कितना बचेगा 3×2 = 6, तो ये 2/8 = 1/4 क्या हो जाएगा, अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।